क्या आपको पता है कि राजस्थान का सुस्त पड़ा मानसून अब तेजी पकड़ चुका है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। गुरुवार को जयपुर और सीकर सहित कई जिलों में दिन भर कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश ने तापमान को करीब 10 डिग्री तक गिरा दिया। बारिश का ये दौर राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी जल भराव का कारण बना। कई इलाकों में जल भराव से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीते 24 घंटों में जयपुर ने सबसे ज्यादा 98 mm बारिश दर्ज की, जबकि अलवर के बहरोड़ में 80 mm से ज्यादा पानी बरसा। सीकर में गुरुवार सुबह 8 बजे तक 49 mm और शाम 5 बजे तक 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अलवर में सुबह 8 बजे तक 73 mm और शाम 5 बजे तक 30 mm बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में कुछ जिलों का तापमान अभी भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे इन इलाकों में उमस की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को सबसे अधिक तापमान बीकानेर में 41.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जैसलमेर में 41 डिग्री, गंगानगर में 40.5, बाड़मेर में 38.6, अजमेर में 32.8 और कोटा में 31.5 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिससे मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर चुरू से होकर गुजर रही है। इस तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन तक मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतया शुष्क रहेगा। तो दोस्तों, तैयार रहें बारिश के इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए, लेकिन हाँ, सुरक्षा का ध्यान भी रखें। बारिश का ये मौसम जितना सुहाना है, उतना ही सतर्कता बरतने की जरूरत भी है। लोकल 18 के लिए जयपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट।